हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद पूनम में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाऊंगी करेला भाजा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने करेला लिया हुआ है, उसे अच्छे से धो लिया है। अब इसे कट कर लेंगे। मैंने सभी को कट कर लिया है। इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, नमक डाल देंगे। इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। मैंने मिक्स कर लिया है, इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुका है। अब इसमें से इसका पानी निचोड़ के निकाल लेंगे। इसका पानी निकाल देने से इसका कड़वापन निकल जाता है और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप देख रहे हैं कितना सारा पानी निकला है इसका। इसे फेंक देंगे। कढ़ाई में डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तेल गरम हो गया है, इसमें डाल देंगे 5 फोरन। इसमें डाल देंगे करेली। करेली को हाफ फ्राई कर लेंगे। करेली आधा पक चुका है। इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्याज को पूरा नहीं भूनना है, बस प्याज को पकाना है। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। इसमें डाल देंगे नमक। इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डाल देंगे आमचूर पाउडर। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसमें डाल देंगे चावल का आटा। चावल का आटा आप चाहें तो ना डालें, चावल का आटा से और भी टेस्टी हो जाएगी। इसमें डाल देंगे भुना हुआ मसाला का पाउडर। और इसे मिक्स करके 2 मिनट कुक करेंगे। सब्जी रेडी हो गई है। अब गैस को बंद कर देंगे। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसे आप रोटी या फिर चावल के संग खा सकते हैं। और इसकी रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।